नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर सिटी। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की। तो जयपुर राजस्थान में अब जिलों की संख्या हो गई है 50। गहलोत कैबिनेट की बैठक में 19 नए जिलों पर मुहर लगी। इसके साथ ही 3 संभाग पाली, बांसवाड़ा और सीकर पर भी मुहर लगी है। जिन 19 नए जिलों पर मुहर लगी है उसमें नाम आप जान लीजिए: अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, केकड़ी, डीग, डीडवाना, कुचामन सिटी, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, गंगापुर सिटी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, खैरतल, नीम का थाना, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर, शाहपुरा का नाम शामिल है। सीएम गहलोत कह रहे हैं कि जो नए जिले बने हैं उनमें से अधिकांश जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो चुका है। जिलों में विकास के लिए और निवेश के लिए जो प्लानिंग होनी है उसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। और सीएम ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया है। नए जिलों के गठन की संभावना भी रामलुभाया कमेटी देखेगी। 19 जिलों का गठन भी रामलुभाया कमेटी के आधार पर ही हुआ है। 7 अगस्त को प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री जाएंगे। सीएम ने मणिपुर मुद्दे पर भी अपनी राय बेबाकी से रखी है। सीएम ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है मणिपुर मामले को लेकर। सात तारीख को विधिवत हर जिले में नए बने वहां पर बकायदा हमारे प्रभारी मंत्री जाएंगे। वहां पर सर्वधर्म प्रार्थना भी होगी, वहाँ पर पूजा पाठ भी होगा और बकायदा भारतीय संस्कृति संस्कार है, परंपराएं हैं, उसका निर्माण करते हुए उस नए जिले का वहाँ पर एक प्रकार से स्थापना की जाएगी। क्योंकि कोई जिला बनना उस जिले वालों के लिए तो 25 साल बाद भी याद करेंगे साहब उस वक्त में जिला बना था। जिले की स्थापना बड़ी बात है, राजस्थान प्रदेश की स्थापना बड़ी बात थी, तो जिले वालों के लिए तो जिले की स्थापना बड़ी बात है। तो विधिवत रूप से हम चाहेंगे 19 जिले के लोग वहाँ पर जो है उनको कॉन्फिडेंस बढ़े कि हाँ सरकार का निर्णय हमारे हित में है और हमें अब प्रशासनिक कामों में आसानी रहेगी, ये मेरा मानना है। मेरी चोट लगी और कह रहे हैं ये तो कीड़ लग गई है और ये सब बांध के बैठ गए हैं। बताइए आप, 3 टुकड़े हो गए मेरे एक पैर के, अंगूठे के 3 टुकड़े हो गए हड्डी के, एक में वो फ्रैक्चर हो गया, पूरा नाखून बाहर आ गया। और ये जो टमाटर जो कमेंट कर रहे हैं ना, इसकी वजह अगर राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष है या इनके दूसरे नेता लोग हैं, अगर ये सीएम हाउस आते मेरे से पूछने के लिए साहब क्या हो गया, कैसे लग गए, तो उनकी हाइट बढ़ जाती। वो जानते नहीं हाइट कैसे बढ़ती है, हाइट घटाना जानते वो तो। राजस्थान में जिलों की हाफ सेंचुरी हो गई है। अब राजस्थान में 33 से बढ़कर 50 जिले और 7 से बढ़कर 10 संभाग होने से पूरा नक्शा बदल गया है। नए जिले बनाने के लिए राजधानी जयपुर को दूसरी बार तोड़ा गया है। इससे पहले 1991 में दौसा को जयपुर से अलग कर जिला बनाया गया था। अब जयपुर जिले को फिर से 32 साल बाद 4 जिलों में बांट दिया गया है। अब जयपुर जिले से टूटकर बने जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दूदू और जयपुर ग्रामीण जिला अस्तित्व में आ गया है। 7 अगस्त को प्रभारी मंत्री सर्वधर्म सभा पूजा पाठ कर नए जिलों की स्थापना करेंगे। जयपुर के मूल नाम से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पहले जयपुर शहर नए जिले का नाम करने की चर्चा थी। जयपुर से टूटकर बना दूदू जिला राजस्थान का सबसे छोटा जिला रहेगा, जिसमें 3 उपखंड और 1 विधानसभा क्षेत्र रहेगा। वहीं अब जयपुर संभाग में जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खैरतल, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा और अलवर जिला आएगा। इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे बड़ा क्षेत्र जयपुर कलेक्टर के कंधों पर रहेगा। वहीं जयपुर के कलेक्टर का काम मॉनिटरिंग और प्रोटोकॉल का ज्यादा रहेगा, क्योंकि जयपुर में नगर निगम JDA का क्षेत्र है जिसमें कलेक्टर का ज्यादा दखल नहीं रहता। उधर इसके इतर जयपुर जिले के 4 भागों में बंटने से सभी लोगों को दस्तावेजों में स्थायी पता में जिला बदलना होगा। एक्सपर्ट की माने तो आधार कार्ड से लेकर जनाधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट सहित अन्य सभी दस्तावेज में बदलाव करवाना होगा। 2010 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित अभी जयपुर जिला कलेक्टर हैं। अब आपको बताते हैं कि नए जिलों में कौन कौन सी तहसील रहेंगी।
जिला नाम जयपुर ग्रामीण, नए जिले जयपुर ग्रामीण में 13 उपखंड और 18 तहसीलें आएंगी। जयपुर उपखंड में जयपुर और कालवाड़ तहसील आएंगी। जयपुर तहसील में निगम हेरिटेज ग्रेटर के भाग को छोड़कर सभी भाग, तहसील कालवाड़ में निगम ग्रेटर के भाग को छोड़कर सभी भाग आएगा। सांगानेर उपखंड में सांगानेर तहसील आएगी। सांगानेर तहसील में निगम ग्रेटर के भाग को छोड़कर सभी भाग आएगा। आमेर उपखंड में जालसू और आमेर तहसील आएंगी। तहसील आमेर में निगम हेरिटेज के भाग को छोड़कर सभी भाग आएगा। बस्सी उपखंड में बस्सी और तुंगा तहसील आएगी। चाकसू उपखंड में चाकसू और कोट खावदा तहसील आएगी। जम्वा रामगढ़ उपखंड में जम्वा रामगढ़ और आंधी तहसील आएगी। चौमू उपखंड में चौमू तहसील, सांभर लेक उपखंड में फुलेरा तहसील। माधोराजपुरा उपखंड में माधोराजपुरा तहसील आएगी। रामपुरा डाबडी उपखंड में रामपुरा डाबडी तहसील आएगी। जोबनेर उपखंड में जोबनेर तहसील और शाहपुरा उपखंड में शाहपुरा तहसील आएगी। नए जिले जयपुर में रहेगा निगम हेरिटेज ग्रेटर का पूरा एरिया। जयपुर में जयपुर, कालवाड़, आमेर और सांगानेर उपखंड होंगे। जयपुर उपखंड में जयपुर तहसील आएगी, जिसमें जयपुर तहसील का निगम हेरिटेज के तहत आने वाला भाग होगा। कालवाड़ उपखंड में तहसील कालवाड़ का ग्रेटर निगम का भाग आएगा। आमेर उपखंड में तहसील आमेर का हेरिटेज निगम का भाग आएगा। सांगानेर उपखंड में तहसील सांगानेर का ग्रेटर निगम का भाग आएगा। कोटपुतली बहरोड नए जिले में 7 उपखंड और 8 तहसील आएंगी। बहरोड उपखंड में बहरोड तहसील आएगी। बांसूर उपखंड में बांसूर तहसील आएगी। नीमराना उपखंड में नीमराना और मांढन तहसील आएगी। नारायणपुर उपखंड में नारायणपुर तहसील आएगी। कोटपुतली उपखंड में कोटपुतली तहसील आएगी। विराटनगर उपखंड में विराटनगर तहसील आएगी। पावटा उपखंड में पावटा तहसील आएगी। जयपुर जिले से टूटकर बने दूदू जिले में होंगे 3 उपखंड। दूदू जिले में होंगे मौजमाबाद, दूदू और फागी उपखंड। मौजमाबाद उपखंड में मौजमाबाद तहसील आएगी। दूदू उपखंड में दूदू तहसील आएगी। फागी उपखंड में फागी तहसील आएगी। जयपुर संभाग में अब ये जिले आएंगे: जयपुर, बहरोड, कोटपुतली, खैरतल, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा और अलवर जिला। आज बहुत बड़ा दिन है। आज हम आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आज 19 जिलों की क्या नोटिफिकेशन होंगी ये तय किया गया है। बहुत बड़ा दिन है राजस्थान के लिए। राज्य के जिलों की गठन की आवश्यकता का आकलन कर अनुशंसा करने हेतु दिनांक 21-3-22 को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की गई है। आज की कैबिनेट मीटिंग में जो अपनी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट जो सरकार को 2 अगस्त को प्राप्त हो गई थी, उसके अनुशंसा का अनुमोदन किया गया है। नए जिलों के गठन का राज्य सरकार का निर्णय प्रशासनिक दृष्टि से उचित लग रहा है। नए जिले बनाने से सुविधाएं बढ़ेंगी, लोगों को प्रशासनिक काम में आसानी होगी। प्रशासन के विकेंद्रीकरण से तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। भौगोलिक दृष्टि से अभी दूरियां बहुत थी। जिला मुख्यालय दूर होने से लोगों का स्वाभाविक रूप से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिला मुख्यालय निकट होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बड़े जिले अथवा जिला मुख्यालय से दूरी कई बार अपराधों की रोकथाम में सरकार की असफलता का बड़ा कारण रही है। नए जिलों की स्थापना से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी, इससे कानून व्यवस्था में सुधार होगा। ये एक तरह से प्रशासन को जनता के द्वार तक ले जाने वाला कदम ही माना जाना चाहिए। नए अस्पताल, नए परिवहन कार्यालय, नए उपखंड आदि की स्थापना से सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए नए राजमार्ग बढ़ेंगे, इससे प्रशासन की गति और रिस्पॉन्स में तीव्रता आएगी। ये जिलों की स्थापना से लोकसभा या विधानसभा सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नए जिले बनाना राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है, जबकि लोकसभा और विधानसभा सीटों का निर्धारण केंद्र सरकार के हाथ में है। नए जिले और नए संभाग की स्थापना से सुविधाओं के विस्तार की संभावना है। अब सरकार के पास सुनियोजित आधारभूत ढांचे के विकास का भी अवसर है। नए जिलों में एक स्थान पर ही सभी कार्यालय स्थापित कर सरकार एक नई प्रकार की गवर्नेंस दे सकती है।
बहरहाल इन नवीन जिलों से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी और आमजन की सुगमता बढ़ेगी। विकास संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से हो पाएगा, जिससे आमजन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और सेवाओं का लाभ शीघ्र मिल पाएगा। प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक जिला प्रशासन और उसके माध्यम से सरकार की पहुंच और ज्यादा सुगम होगी, जिससे इन क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो पाएगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।